नमस्कार, मैं प्रिया। आज 26 फरवरी, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने निकाली रिक्तियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिस अटेंडेंट के कुल मिलाकर 841 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के 12 जिलों में चिकित्सकों और कर्मियों के लिए बनाया गया क्वार्टर। राज्य के 12 जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों एवं कर्मियों के लिए 26.88 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कराए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें एक सदर अस्पताल का निर्माण होने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निर्मित इन आवासों का शीघ्र ही उद्घाटन कर संबंधित चिकित्सकों और कर्मियों के बीच आवंटन किए जाने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने बताया है कि 21 यूनिट में एक यूनिट भोजपुर सदर अस्पताल में बना हुआ है, जिसके बाद प्रत्येक चिकित्सक और स्टाफ क्वार्टर के निर्माण पर 1.28 करोड़ की लागत आई है। इन क्वार्टरों के बन जाने से स्वास्थ्य कर्मियों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। बिहार की 13 कंपनियों को मिला गाड़ियों में सीएनजी किट लगाने की मंजूरी। बिहार में प्रदूषण को कम करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए भी तैयारी शुरू की जा चुकी है, जिसके बाद अब राज्य में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत पुराने डीजल और पेट्रोल से चल रही तीन पहिया वाहनों को सीएनजी और बैटरी में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत अब तक कुल मिलाकर 13 रेट्रोफिटमेंट कंपनियों को अनुमति दे दी गई है, ताकि लोग आराम से सीएनजी किट लगा सके। इसके लिए राज्यभर में डीटीओ कार्यालय ने भी जगह जगह पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। सरकार के बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत अगर तीन पहिया वाहन चालक सहित 7 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और वे अपने गाड़ियों को नया सीएनजी वाहन में बदलेंगे तो उन्हें 40,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। शिवहर के अति प्राचीन बरगद के वृक्ष के पास आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पुरनहिया प्रखंड के एक गांव में स्थित एवं अनुमानतः 2 एकड़ में फैला अति प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष के लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़ें हैं, जो हाथी घोड़ों जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए भी कौतूहलपूर्ण दृश्य एवं क्रीड़ा स्थल है। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहां एक मेले जैसा दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मूल तना के जड़ की खोह में नागदेवी एवं नागदेवता का निवास है। झारखंड से बिहार और ओडिशा का सफर हुआ आसान। झारखंड से बिहार और ओडिशा का सफर अब आसान होने वाला है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस ट्रेन के माध्यम से राउरकेला और जयनगर जाने वाले यात्रियों के लिए 25 फरवरी से राउरकेला और जयनगर ट्रेन को चलाने के लिए हरी झंडी मिल गई थी, जिसके बाद अब राउरकेला जयनगर ट्रेन से सफर करना और ज्यादा आसान हो गया है, जिसके बाद यह ट्रेनें हटिया, रांची और मुरी स्टेशन पर रुकने वाली है। इस ट्रेन के परिचालन से अब सफर करना आसान होने वाला है। बिहार में अब ऐसे वाहनों का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों हो सकता है रद्द। बिहार में सड़क हादसों पर नियंत्रण लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने सड़क हादसों को रोके जाने के लिए कड़े उपाय किए जाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और वाहन की स्पीड लिमिट का भी खास ध्यान रखें। बैठक में विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि सड़क हादसों में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाए। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के 8,415 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है, जिसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी अब केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएसबीसी ने एडमिट कार्ड के साथ साथ परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर की सूची भी जारी कर दी है। परीक्षार्थी इस सूची में अपने रोल नंबर की मदद से चेक कर सकते हैं कि उनका परीक्षा किस शिफ्ट में है और किस जिले में है और किस केंद्र पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए 14 और 21 मार्च को परीक्षा होनी प्रस्तावित है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। 2020-21 के लिए अनुपूरक बजट हुआ सदन में पेश। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 19,370 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए गए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में वार्षिक स्कीम मद से 9,530.27 करोड़ रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से प्रभृति सहित 9,399.99 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 439.78 करोड़ रुपए सहित कुल 19,370.03 करोड़ रुपए का स्कीम वार प्रस्तावित राशि शामिल है।
मुखिया सरपंच की बल्ले बल्ले। पंचायत चुनाव से पहले राज्य की 2.5 लाख पंचायत और कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि को जल्द ही बकाए वेतन का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को खास निर्देश भी जारी कर दिया था। इसको लेकर जिले के कुल मिलाकर 112 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। इस राशि में अगस्त 2020 से फरवरी 2021 तक भत्ते का भुगतान हो सकेगा। जानकारों की माने तो पंचायत प्रतिनिधियों का 6 महीने से अधिक दिनों का मासिक भत्ता अभी भी बकाया है। हालांकि जिले से विभाग को सूचना मिली है कि अगस्त से पहले का भी कई प्रतिनिधियों का भत्ता अब तक नहीं मिला है। पुलिस सप्ताह के अवसर पर रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन इन दिनों करवाया जा रहा है। इसी क्रम में इसी सप्ताह के तहत रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन बीते दिन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजित होने के बाद युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और साथ में आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम को बीएमपी डीजी आरएस भट्टी ने बीते दिन ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें बिहार के डीजीपी समेत अन्य आईपीएस अधिकारी के साथ भारी संख्या में युवाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम के तहत प्रथम आने वाले व्यक्ति को 10,000, द्वितीय पुरस्कार 7,500 और तृतीय पुरस्कार 5,000 दिया गया है। बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। मिड डे मील के नए मूल्य की राशि अब जाएगी छात्रों के खाते में। मिड डे मील के नए मूल्य की राशि अब छात्रों के अकाउंट में भेजने की तैयारी हो रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते स्कूल बंद पड़े थे, ऐसे में बच्चों को खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत की राशि उनके बैंक के खाते में भेजने का निर्देश शिक्षा विभाग ने दे दिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 45 कार्य दिवस के लिए कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम खाद्यान्न की दर से 4.5 किलोग्राम खाद्यान्न, जबकि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए प्रति बच्चा प्रति कार्य दिवस 150 ग्राम खाद्यान्न की दर से 6.75 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। यह राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। 1 मार्च को भाकपा माले करेगी विधानसभा मार्च। भाकपा माले आए दिन छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए बिहार में आंदोलन करती देखी जाती है। वहीं अब एक बार फिर से भाकपा माले ने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत अब विधानसभा में भी माले के विधायक लगातार विभिन्न मांगों को लेकर लोगों की आवाज बन रहे हैं। इसी क्रम में अब भाकपा माले 1 मार्च को विधानसभा मार्च निकालने की तैयारी में नजर आ रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सड़क से सदन तक आंदोलन की तैयारी कर ली गई है। छात्रों और युवाओं के लिए हमने बिहार में मार्च निकाला था। 20 लाख रोजगार देने की मांग को लेकर 1 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। अधिकारियों के खिलाफ फूटा तेजस्वी यादव का गुस्सा। इन दिनों बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां हर दिन सत्र में हंगामे का दौर देखने को मिलता है। इसी क्रम में बीते दिन भी सत्र शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आग बबूला नजर आए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सूबे के अधिकारियों पर अफसरशाही का आरोप लगाते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन सदन में इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया। इस बाबत उन्होंने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाते हुए सदन में कहा है कि नीतीश सरकार में अधिकारियों का मन इतना बढ़ गया है कि ये लोग विपक्ष के नेताओं के साथ ही दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, तेजस्वी का यह आरोप सीपीआई नेता महबूब आलम के साथ सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के बाद आया है, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। जमीन के दाखिल खारिज में जानबूझकर देरी करने वालों की अब खैर नहीं। अक्सर यह शिकायत सुनने में आ ही जाती है कि अधिकारी जमीन दाखिल खारिज का काम समय पर नहीं निपटा रहे हैं। हालांकि अब ऐसा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई जाएगी। इस काम को लेकर सरकार ने 15 दिनों की समयावधि निर्धारित कर दी है। इस बाबत बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा है कि जमीनों के दाखिल खारिज में जानबूझकर देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, विधान परिषद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा प्रदेश में दाखिल खारिज की प्रक्रिया के मंदगति से चलने को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के क्रम में उन्होंने यह बात कही है। पंचायत चुनाव में ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। राज्य में लगभग 2,90,000 पदों के लिए जल्द ही पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है। वहीं इस बार चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी बिहार को ईवीएम की खेप नहीं मिली थी, जिसके कारण ही इस मामले को पटना हाईकोर्ट के पास भेजा गया था, जिसके तहत अब हाईकोर्ट ने भी अपना बयान जारी करते हुए फैसला सुना दिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने ईवीएम विवाद को राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का निर्देश दिया है। पहली सुनवाई ही बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है।
इंटर मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया अपना बयान। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद इंटर का मूल्यांकन काम शुरू हो रहा है। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अब दो चरणों में करवाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसको लेकर बिहार विधान परिषद में सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ही शिक्षा मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों को दोनों पारियों में मूल्यांकन कार्य के लिए अब जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों की इच्छा अनुसार ही उनसे काम लेंगे। आपको बता दें, विधान परिषद में दो पारियों में मूल्यांकन के काम में महिलाओं के घर वापस लौटने में सबसे ज्यादा परेशानी होने की बात कही गई थी। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए ड्राई रन की जल्द होगी शुरुआत। देश में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद बिहार सरकार ने भी अपनी तैयारी तेज कर ली है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बीते दिन एक बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें विभाग ने केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार 27 और 28 फरवरी को कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्राई रन की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बता दें, राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो चुकी है। बिहार के पहलवान गौरव ने जीता नेशनल में स्वर्ण पदक। पटना से सटे बाढ़ के पंडारक प्रखंड के चर्चित मुक बधिर पहलवान गौरव कुमार ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत गौरव कुमार ने अखिल भारतीय मुक बधिर खेल परिषद नई दिल्ली की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय मुक बधिर चैंपियनशिप 2020-21 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 21 फरवरी को गुजरात मुक बधिर खेल परिषद की मेजबानी में गुजरात के खेड़ा जिले के नादियाड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित ट्रायल में सफल होकर गौरव ने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई है, जिसके तहत 20 मई से 5 जून तक तुर्की में होने वाले चतुर्थ विश्व मूक बधिर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका भी उन्होंने हासिल किया है। बिहार आपूर्ति सेवा संघ का हुआ चुनाव। बिहार आपूर्ति सेवा संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में पूरे बिहार में आपूर्ति सेवा संघ का चुनाव किया गया। आपको बता दें कि यह चुनाव 12 पदों के लिए करवाया गया था, जिसमें मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी संदीप पांडे की अध्यक्ष पद और मसौढ़ी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी डॉ मुकेश कुमार को बिहार आपूर्ति सेवा संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी मंत्री लेसी सिंह ने सभी को बधाई दी है। इसके साथ ही मसौढ़ी अनुमंडल के दो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद बिहार के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बधाई भी दी है। कोसी और सीमांचल की ट्रेनों में जल्द ही दिखेगा तेजस्विनी जत्था। ट्रेनों के परिचालन की स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए ट्रेनों में विशेष सुरक्षा प्रदान करने की नियत से बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र की अहम ट्रेनों में आरपीएफ का तेजस्विनी दस्ता नजर आने वाला है। शहर के परिसदन में हाजीपुर जोन के आईजी आरपीएफ एस मयंक ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि तेजस्विनी दस्ता में शामिल महिला रेल सुरक्षा बल महिला यात्रियों की सुरक्षा करेंगे, जिसके बाद अब महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही महत्वपूर्ण ट्रेनों में ट्रेन परिचालन की स्थिति सामान्य होते ही तेजस्विनी दस्ता की ड्यूटी लगाई जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहला सैन्य गतिरोध देखने को मिला था। गुजरात के अहमदाबाद में 1975 में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया। एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ बेनेगल नरसिंह राव को 1887 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही पत्रकार एवं साहित्यकार मृणाल पांडे को 1946 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही साल 1712 में आज के दिन बहादुर दिल्ली का सातवां मुगल बादशाह शाह प्रथम ने भी आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। जदयू ने की लोकसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की नई टीम की घोषणा। जदयू की तरफ से बीते दिन लोकसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। जदयू प्रदेश महिला अध्यक्ष श्वेता विश्वास और प्रभारी सुहेली मेहता ने 36 लोकसभा प्रभारी और 35 जिला अध्यक्षों की नई टीम तैयार कर ली है। जदयू संगठन में विधानसभा चुनाव के बाद लगातार फेरबदल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लोकसभा प्रभारी जिला अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी युवा और महिला मोर्चा के साथ विभिन्न प्रकोष्ठ की नई टीम तैयार कर ली गई है। महिला मोर्चा की तरफ से भी जिला अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके तहत 36 लोकसभा प्रभारी की सूची और 35 जिला अध्यक्षों की टीम तैयार कर ली गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की अहम गाइडलाइन। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी करने की बात कही है, जिसके तहत इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो सामग्री का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जाएगी, जिसके बाद अब शिकायत करने पर 24 घंटे में कंटेंट को हटाना पड़ेगा। इसको लेकर नोडल अधिकारियों को भी जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल मीडिया पोर्टल और ओटीटी पर किसी भी तरह का फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि ओटीटी में सेंसर बोर्ड नहीं है, ऐसे में सेल्फ क्लासिफिकेशन जरूरी है। इसके लिए
13 प्लस, 16 प्लस और ए कैटेगरी होने की भी बात कही गई है। इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल के आउट होने पर गावस्कर ने दिया अपना रिएक्शन। भारत ने अहमदाबाद के नए नवेले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड को पहली पारी में मात्र 112 रनों पर समेट दिया। इसके बाद जब टीम इंडिया की पारी शुरू हुई तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने मेहमान टीम के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत में संभल कर खेलने का फैसला लिया। इसी दौरान क्रीज पर जमने के बाद गिल का ध्यान भंग हुआ और वो जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पुल शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने 51 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अपनी रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और बाद में आउट हो गए। खराब शॉट सिलेक्शन और इससे उनके आत्मविश्वास को जरूर ठेस पहुंचेगी। कई बार जब आप पूरी मेहनत कर चुके होते हैं तो आपको लगातार उसे करते रहना होता है। रिया चक्रवर्ती हुई चेहरे पोस्टर से आउट। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुर्खियों में बनी हुई थी। वहीं उनके ड्रग्स मामले में भी काफी दिनों तक जेल की हवा भी उन्हें खानी पड़ी थी। हालांकि कुछ समय बाद वो बाहर आ गई थी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी मुश्किलें कुछ कम होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने आने वाली फिल्म चेहरे का पोस्टर रिलीज किया था। इस पोस्टर में रिया गायब नजर आ रही है। रिया की जगह क्रिस्टल डिसूजा को पोस्टर में जगह दी गई है, जिसके बाद लोग रिया को पोस्टर में शामिल नहीं करने को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं रिया के एक करीबी दोस्त ने भी कहा है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया के साथ ऐसा कुछ होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिव्यांशु कुमारी, शंकर मुखिया, मनीष मोहरा, रामविलास दयानिधि, आजिमा फिरदौस, गजेंद्र सिंह, ड्रीम गर्ल, रविन्द्र पासवान, सोनू सामराज, असलम राज, रशीद इशार, नीतीश कुमार, सुनीता सिंह, आकाश कुमार, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।